तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्ट्राबैंड पुलिस। तो इस गेम में हम एक अकारिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर हैं और हमारी ड्यूटी यह है कि हमें किसी को भी इलीगली एंटर नहीं करने देना है, और जो भी इलीगल एंटर करे या जो भी स्मगलिंग करे हमें उसे पकड़ना है। तो अब हमारी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो बोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो लिखी हुई है, तो देखते हैं कि बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ से तीन स्मगलर्स कुछ स्मगल करके लेके जाने वाले हैं। एक के व्हीकल की तीन लाइट्स टूटी हुई है और एक स्मगलर की एज 36 ईयर्स है, और तीसरा स्मगलर रिपब्लिक ऑफ काकस्तान से आने वाला है। और हमें कुछ और ऑर्डर्स भी मिले हैं। किंगडम ऑफ अर्की से जो लोग आने वाले हैं उनके कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ टाई अप्स हैं। अगर किंगडम ऑफ अर्की से कोई सामान लेके आ रहा है तो हमें उसे वापस भेज देना है। तो चलो यार, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आगे की गाड़ी के चेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो बुलाते हैं अपनी पहली गाड़ी को। चल भाई जल्दी आ जा, भाग के, बहुत काम है आज हमें। जल्दी आ भाई, गेट खोल फटाफट से। अरे गेट क्यों लगा रहा है भाई, खोलना है तेरे को। चल भाई बाहर निकल, बाहर गाड़ी से। ये कुछ सामान वगैरह लेके जा रहा है, ये मुझे लग रहा है ये किंगडम ऑफ अर्की से ये है। तो पहले भाई अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ फटाफट जल्दी से। ओके, ओ भाई साहब, ये सच में ही किंगडम ऑफ अर्की से है। पहले हमें इसके यार सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलाने पड़ेंगे। देखते हैं कि कहीं ये कुछ कॉन्ट्रामेंट्स वगैरह छुपा के तो नहीं लेके जा रहा है। अगर कुछ छुपा के लेके जा रहा है उसे हम यहीं पर धर लेंगे भाई, आगे तो वैसे भी नहीं जाने वाला। तो चलो यार, एज तो 31 है इसकी, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ओके, तो सब कुछ मैच कर रहा है अभी। तो अभी हम इसका पहले कार को भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या क्या लेके जा रहा है। ओके, तो ये एक गोट हो गई। ओके, तो ये भी एक गोट है और एक काव। तो मतलब दो गोट और एक काव लेके जा रहा है। और अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये यहाँ पर तो कुछ छुपा के नहीं लेके जा रहा है। इन लोगों के आड़ में लेके जा रहा होगा तो इसको यहीं पे पकड़ लेंगे क्योंकि हमसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसकी गाड़ी भी चेक करते हैं भाई, टायर तो पंक्चर हो रहा है भाई इसका, गज चला के कैसे लेके आ रहा है। तो अब इसका एक बार बोनट चेक करके देखते हैं। तो बोनट तो खुल नहीं रहा है इसका, कुछ ज़्यादा ही ऊँचा है भाई। गाड़ी के अंदर देखते हैं, यहाँ पर कुछ है, कुछ छुपाया हुआ। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साफ है। लेकिन ये इसने गलती पता क्या करी है, ये किंगडम ऑफ अर्की से है तो ये किसी सूरत में तो आगे जाने वाला नहीं है। तो अभी हमें इसको डिनाई करना पड़ेगा। ओके, हेलो भाई साहब, तो आप आगे तो जाने वाले हो रहे, तो पहले इसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इसको बता देते हैं कि भाई तेरी क्या चीज़ गलत थी, नहीं तो बोलेगा हमें कि मेरी क्या गलती थी। एंट्री रेगुलेशन सर, यू आर डिनाइड। व्हाट अ डे, टुडे इज हॉलीडे, चल निकल यहाँ से। तो अभी बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी को। चल भाई जल्दी निकल यहाँ से टकले, आज मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गाड़ी आने वाली है। तो जल्दी निकल भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी निकल। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट गाड़ी आ चुकी है भाई। इतनी सी गाड़ी में भी सामान लेके जा रहे हैं भाई साहब। ओके, अबे एक्सीडेंट कर दिया, अबे भाई अपना बंदा ही उड़ा दिया उसने, भाई हमारा बंदा ही उड़ा दिया उसने, तेरी भैंस की आंख। चल भाई गाड़ी से बाहर निकल, बाहर निकल। अबे भाई भाई हद होती है भाई, सामने सामने बंदा मारते हमें पकड़ भी नहीं सकते भाई, हद है यार कसम से। सॉरी यार, लेकिन ग्लिच हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो क्या रहा है ये। अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यार पहले इसका डॉक्यूमेंट्स ही चेक कर लेते हैं। चल भाई डॉक्यूमेंट्स निकाल अपने। ओके, तो ये पहले देखते हैं ये है कहाँ से, अफगानिस्तान से है ये। तो चलो यार, नाम तो मैच कर रहा है इसका, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा है, वो भी मैच कर रहा है। ओके, डेट्स भी मैच कर रही है, और ये डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 36 साल का। भाई ये तो पकड़ा गया भाई, 36 ईयर्स का कोई बंदा था। अरे वाह, जस्टिफाइड रिफ्यूजल भाई, गजब। जो हमारा बंदा मरा था वो हो गया गायब। तो पहले इसका सामान करते हैं अनपैक, और इसको करते हैं अलग से चेक। भाई साहब कुछ ना, ये रहा भाई, मैं कह रहा था ना कोकेन छुपा के लेके जा रहा भाई ये तो जेल में जाएगा, चक्की पीसेगा। इसके कार्गोलिस में भी क्रॉस लगेगा क्योंकि भाई ये तीन टॉयलेट्स लिखे हुए हैं लेकिन दो लेके जा रहा है, मिसमैच हो रहा है ना। तो अभी जल्दी से चेक करते हैं इसकी गाड़ी। इसकी ने भाई गाड़ी में भी कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा, टायरों में कुछ छुपा के रखा है क्या। टायरों में तो कुछ नहीं है, बोनट में, बोनट में भी शायद कुछ नहीं है। ओके, गाड़ी के अंदर यहाँ पर कुछ है। हेलो, अरे ये रहा, एक और पैकेट मिल गया भाई, तीन तीन पैकेट मिले भाई साहब, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा यार। इन्हें पकड़ने के भी पैसे मिलते हैं हमें, बस हमें इन्हें ले जाकर ना पुलिस बेस के अंदर जमा करा के आना, बस फिर पता नहीं 100-200 डॉलर शायद कुछ मिल जाते हैं। तो अभी इसकी सारी गाड़ी की चेकिंग कर ली है, शायद अभी तक कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन हम इसको करेंगे अरेस्ट। चल भाई पीछे घूम, हमसे बच के निकलने की सोच रहा था ना, अब चक्की पीसो भाई पूरी जिंदगी। चलो भाई, जेल भाई पूरा भर चुका है, मतलब तीन जनों की कैपेसिटी है बस इसमें।
ये स्मगलर है, ओके, ये भी स्मगलर है, ठीक है, और ये अनलॉफुल अरेस्ट। अच्छा, इस बंदे को गलती से हमने अरेस्ट कर लिया था, तो यार इसको तो छोड़ देते हैं बेचारे को। तो अब हमने उस बंदे को कर दिया आज़ाद, और यहाँ पर भी एक और प्रिजनर की जगह बन गई है। यार उस बेचारे को हमने बिना बात के जेल के अंदर ठूस दिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे पता नहीं था कि हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अभी हमने जो कॉन्ट्राबैंड पकड़ा है, अभी हम उसे स्टोर रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर काम हो चुका है ख़त्म। अब देखते हैं यार, और भी गाड़ियाँ चेक कर रही हैं भाई आज तो। आज ऐसा लग रहा है भाई, गाड़ियाँ आती ही जा रही हैं, आती ही जा रही हैं। अब ये सारा सामान हटवाना पड़ेगा। मैक्सी, सफाई कर। मैक्सी तो भाई सेकंडों में काम कर देता है भाई, सेकंडों में। गजब, इंस्पेक्शन कंप्लीट, $80, नाइस। तो नेक्स्ट वाली गाड़ी जल्दी से फटाफट, जल्दी भाग के, जल्दी 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 जल्दी। ऐसा देखने में लग रहा है कि काफ़ी लंबी है, लेकिन है छोटी सी ये भी। चल भाई बाहर निकल, बाहर निकलने के लिए बोलो, डॉक्यूमेंट्स पकड़ा रहा सीधा। ठीक है, पहले इसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। ओके, नाम मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर वो भी मैच कर रहा है। ओके, पासपोर्ट डेट वो भी मैच कर रही है। ओके, कितने साल का है? 43 ईयर्स का। ओके, और इसका एंट्री परमिट वो भी मैच कर रहा है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो सामान तो कुछ लेके जा नहीं रहा है, तो सर बाहर निकलना पड़ेगा आपको। अब इसकी गाड़ी भाई अंदर से बिल्कुल चेक करनी पड़ेगी कि ये कुछ स्मगल करके तो नहीं लेके जा रहा है। तो यार यहाँ भी कुछ नहीं मिला। ओके, तो डिग्गी में देखें क्या, टायर में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, गजब। ये तो भाई बंदा बिल्कुल साफ है। ओके, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है भाई। कुछ तो स्मगलिंग करो यार, ऐसे पकड़ने में मजा आता है, ऐसे साफ साफ आते रहोगे फिर कैसे मजा आएगा। तो इस बेचारे के पास भाई कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मैंने 2-3 बार चेक कर लिया। चलो भाई साफ हो भाई आप तो, लेकिन 1 मिनट, इस बंदे की शक्ल इस बंदे से मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी। ओ भाई साहब, ये हुई ना बात, यहाँ पकड़ गया ना ये, गजब भाई, फोटो ही मैच नहीं कर रही है। तो भाई पहले इसकी फोटो कहाँ है, फोटो पे लगाएंगे क्रॉस, और इसको कर देंगे भाई कैंसल। अरे भाई गजब, मजा आ गया, डिनाइड। चलो भाई वापस, यहाँ से वापस हो ले, चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं भाई, हद होती है भाई, पासपोर्ट पे किसी और की फोटो चिपका के घूम रहा है भाई, गजब। चल निकल यहाँ से, तो बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी को। चलो भाई जल्दी निकल, दूसरी गाड़ी आ रही है, भाग गया। ओके, यहाँ से खुले गया उसका गेट, अरे नहीं भाग गया। ओके, तो अपनी अगली गाड़ी आ चुकी है भाई, जस्टिफाइड रिफ्यूजल भाई, $100 मिल चुके हैं भाई, गजब, मजा आ गया। चलो भाई पहले बताओ, निकलो बाहर, और अब दिखाओ अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से फटाफट। क्या भूल गया क्या? आत्मतूरो, आत्मतूरो मतलब क्या होता है भाई? ओके, तो इसका नाम, नाम मैच कर रहा है क्या? ओके, नाम मैच कर रहा है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, हेलो, पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा है क्या? ओके, पासपोर्ट नंबर मिसमैच हो गया है। ओ भाई साहब, ये तो गया। ओके, तो वैलिडिटी भी मैच कर रही है पर एंट्री परमिट की, पासपोर्ट की वैलिडिटी। ओके, पासपोर्ट की वैलिडिटी भी मैच कर रही है, लेकिन पासपोर्ट नंबर तो मैच नहीं कर रहा ना। चलो इसका पहले सामान अनपैक करते हैं, ये क्या क्या लेके जा रहा है, साथ सबकी अलग से चेकिंग करेंगे। ये मुझे इस पर शक है, ये कुछ ना कुछ इसमें से शायद छुपा के लेके जा रहा होगा। टॉयलेट हो गया, सोप हो गया, ये फर्टिलाइज़र हो गया, और ये वॉशिंग मशीन है शायद, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। ओके, तो यार इसके अंदर तो कुछ छुपा के नहीं लेके जा रहा है। ओके, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी नहीं है, सोप में, सोप में भी कुछ नहीं है, फर्टिलाइज़र इसमें भी कुछ नहीं है। चलो सामान तो सही है, इसकी गाड़ी भी चेक करते हैं अंदर से। ओके, यहाँ पर भी शायद कुछ नहीं है, एक बार बोनट भी खोल के देख लेते हैं, यहाँ पर बोनट में भी कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं लेके जा रहा क्या ये भाई? कोई तो स्मगलर बन जाओ भाई, कोई तो कुछ तो छुपा के लेके जा भाई। ओके, तो भाई साहब गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाओ, और थोड़ी स्मगलिंग करना चालू करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। ओके, तो इसके क्या करना पड़ेगा भाई? अच्छा, कार्गो सारा भार पड़ा है भाई, ये ऐसे कैसे छोड़ के जाएगा सामान पे? ऐसे सामान रखवा दे। चल भाई मैक्से, सामान रख अंदर, हराम खोर तो है ये लेकिन काम कर देता है। चलो यार, अब इसने सामान वामान तो रख दिया है, तो अब इसको भेजने का टाइम आ गया है, तो अब इसको क्या करना है, अप्रूव करें या डिनाई करें? अच्छा, तो ये किंगडम ऑफ अर्की से है, तो भाई ये तो ये नहीं जाने वाला भाई, डिनाइड होगा ये तो भाई, पासपोर्ट नंबर भी नहीं था इसका मैच। तो जाओ भाई यहाँ से वापस, चल निकल,
आंखें किसको दिखा रहे, तेरी आंखों से निकाल के गोटियां खेलेंगे, गोटियां। ठीक है निकल चल। ओके तो ये शायद आज की आखिरी गाड़ी रह गई है हमारी। इसका गेट खोले क्या? तेरी भैंस खुल गया भाई। ओके तो जस्टिफाइड रिफ्यूजल के $100 मिल चुके हैं भाई, गजब मजा आ गया। ओके तो चलो भाई पहले तो निकलो बाहर, और बाहर निकल के दिखाओ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स। चलो भाई डॉक्यूमेंट्स दिखा लो अपने जल्दी से, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बेटा। तुझे पता नहीं है यहाँ पे नया आया है क्या? ओके तो नाम इसका, तो नाम तो मैच कर रहा है। ओके पासपोर्ट नंबर 1MZM694W ये भी मैच कर रहा है। ओके मुझे लग रहा है हमारी मैच करने की शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, ये हम ज़्यादा थक चुके हैं। तो इसका एंट्री परमिट भी वैलिड है और पासपोर्ट 11 सितंबर है ना, हाँ तो पासपोर्ट भी वैलिड है भाई इसका। तो डॉक्यूमेंट्स तो चेक हो चुके हैं, अब इसके एक बार गाड़ी ज़रूर चेक करनी है। तो देखते हैं कहीं ये कुछ छुपा के लेके जा रहा है क्या। चल भाई टायर में तो कुछ छुपा के नहीं लेके जा रहा है, गाड़ी के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर भी कुछ नहीं लग रहा है। ओके इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं इसके अंदर भी नहीं है। ओके बोनट में, अरे बोनट कैसे खुलते हैं भाई इनके? ओके तो बोनट में भी कुछ नहीं है, तो ये बंदा भी क्लियर है मेरे हिसाब से। यार इन लोगों को ना स्मगलर बनने की क्लास देनी पड़ेगी भाई, स्मगलर बनो ठीक है, हमें पकड़ने में मज़ा आता है ठीक है, तुम ऐसे पागल ऐसी हरकतें क्या करो। तो इंस्पेक्शन कम्प्लीट हो गया। ओ किंगडम ऑफ वर्की से, अच्छा तो ये सामान नहीं लेके जाना ना कुछ, तो इसे हम अप्रूव कर देंगे। तो हमें ऑर्डर्स ये थे ना कि जो सामान किंगडम ऑफ अर्की से लेके आ रहा है उसको नहीं जाने देना बस, बाकी ये तो बेचारा कोई सामान लेके ही नहीं जा रहा है तो इसको जाने देंगे। तो क्या ये हमारा फैसला ठीक था या गलत? ओके तो भाई वैलिड इंस्पेक्शन था हमारा भाई, गजब मजा आ गया। तो अभी तो और कोई नहीं है, तो आज की ड्यूटी हमारी हो चुकी है ख़त्म। तो अभी हमें एक और काम करना पड़ेगा, जो हमने कॉन्ट्राबैंड पकड़े हैं उन्हें पुलिस बेस में जमा करा के आना पड़ेगा, और जो हमने क्रिमिनल्स भी पकड़े हैं उन्हें भी लेबर कैंप में छोड़ के आना पड़ेगा। चल भाई गाड़ी के अंदर बैठो जाके, चलो तू भी जा भाई गाड़ी के अंदर बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ, बस भागना मत कहीं। तो उन लोगों को गाड़ी के अंदर तो भेज दिया है, तो अब स्टोरेज के अंदर से भी सामान उठा लेते हैं अपना। ओके तो यहाँ पर कोकेन के 3 पैकेट हैं हमारे, वेपन के भी 5 हैं। ओके के तो वेपन के 5 हो गए और कोकेन के 3 पैकेट, और जल्दी यार इन्हें छोड़ के आ जाते हैं तो इनसे हमें कुछ पैसे तो ज़रूर मिलेंगे यार, कम से कम $1,000-2,000 तो मिलना ही चाहिए। ओके तो गाड़ी के अंदर भी हम पहले सामान रख देते हैं जो भी कॉन्ट्राबैंड हमने पकड़ा था। ओके तो ये सारा का सारा कोकेन जितना भी हमने पकड़ा, जितने भी वेपन्स पकड़े हैं सब यहाँ रख देते हैं। ओके तो सारा माल हो चुका है लोड, अब चलते हैं अपनी गाड़ी में इन लोगों को छोड़ने के लिए। लेकिन यार रात का टाइम हो रहा है, कोई हमारे ऊपर जाते हुए अटैक ना कर दे। तो यहाँ से पहले हम जाते हैं लेबर कैंप, स्मगलर्स को छोड़ने के बाद हम जाएंगे सीधा पुलिस बेस। तो इंजन स्टार्ट हो जा भाई जल्दी से। ओके तो भाई गाड़ी तो भाई सही चल रही है अभी, क्योंकि हमने कल रात को ही पेट्रोल भरवाया था सुबह। तो हमें यहाँ से किस तरफ जाना था? राइट। ओ भाई साहब ओबरा गैंग के बंदे हमारे पर अब अटैक कर सकते हैं। ओके भाई भाई कहाँ से भैंस क्या? ओबे निकल 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 भाई, अभी पंगे नहीं लेने इनसे, अभी पंगे नहीं लेने। ओके भाई साहब बच गए भाई गजब। तो अभी लेबर कैंप पहुँच चुके हैं भाई, पहले लेबर कैंप मैंने उतार देते हैं भाई। ओबरा गैंग के बंदे हमारे पर अटैक कर रहे थे भाई गजब, अभी वो सारे क्रिमिनल्स को छुड़ा के ले जाते हैं और सारा का सारा जो कोकेन जो वेपन्स हमने पकड़े थे ना वो सब ले लेते हो। ओके पहले तो हम इसको सर्जेंट को देते हैं भाई, ये ले अपने सारे कैदी संभालो भाई, दो ही हैं वैसे तो, $200 में ले हैं भाई एक कैदी के $100। सही है भाई, एक स्मगलर पकड़ो और $100 ले जाओ, बढ़िया है भाई गजब। तो अभी हमारा बस एक और काम बचा है, जो कोकेन और वेपन्स हमने स्मगल करते हुए पकड़े गए हैं, बस उन्हें दे के आना है और बस कुछ डॉलर्स हमें भी मिल जाएंगे इस काम के। ओके तो $150 हमारे कट चुके हैं डेली मेंटेनेंस के। ओके सही है ठीक है सही है इतना। तो यहाँ से कहाँ जाना था? मेरा राइट हैंड ना शायद, हाँ शायद इसी साइड में पड़ेगा। ओके तो भाई हमारे पर एक और बार ओबरा गैंग के बंदों ने अटैक कर दिया भाई, कौन कौन से अटैक कर रहे हैं कि भैंस की आँख भाई, भाई बच गए भाई गजब। वो कितनी बार अटैक करेंगे भाई, वो कितनी बार अटैक करेंगे भाई, दोनों तरफ से मार रहे हैं
दोनों तरफ से। भाई यार या अभी यहाँ पे रुक जाते ना भाई, बचने वाले नहीं थे हम तो। कैसे भी करके यार हम पुलिस बेस पहुंच चुके हैं, तो यार सारा स्मगलिंग का माल यहाँ पे छोड़ते हैं और फटाक से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यार बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है ये रात में ट्रैवल करना। हेलो हेलो हेलो, कोई है यहाँ पर? ये सो रहा है क्या? ओके नहीं 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 सो नहीं रहा। ये ले भाई ये ले। ओके तो $200 मिले हैं बस 8 कॉन्ट्राबैंड पकड़ने के, सिर्फ $200। ये क्या बात हुई भाई, इससे अच्छा तो 2 स्मगलर पकड़ने के मिल गए थे हमें। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि अब हमारे पर कोई अटैक करेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं अभी ऐसा, ना स्मगलर्स हैं ना ही स्मगलिंग का कोई सामान है। तो यार मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। ठीक है अब चलते हैं सीधे अपने पुलिस बेस पे और चल के भाई आराम करते हैं। भाई बहुत हो गया, पूरे दिन में इतना ज़्यादा काम कर लिया ना आज, इतना काम यार आपने अब तक कभी किया ही नहीं है। तो अपनी गाड़ी कर देते हैं यहाँ पर पार्क, के यार इसको ना उड़ा दूँ मैं, नहीं तो मेरे $500 चले जाएंगे। एक बार उड़ा दिया था मैंने इसको, नहीं शायद इसको नहीं, किसी और पुलिस ऑफिसर को उड़ाया था, वो शायद पुलिस बेस में उड़ाया था एक बार शायद, पता नहीं ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ पर भी एक गेट है। ओके तो भाई मेरे को तो आ रही है नींद। ठीक है भाई गुड नाइट टाटा बाय बाय। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। और अगर आपने इस वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।